व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड बार। सो आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला किस तरह हम अपने किसी भी अपने सिंपल से ओप्पो फ़ोन में जो है iOS 13 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यूज़र की डिमांड थी जिस पर यहाँ पर मैं ये आपको वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से यार सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आप तक और आती रहे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर iOS जो है 13 है, लॉन्चर है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग किस्म का लॉन्चर है। इसकी मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सेटिंग बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर अपने इसको अपने मोबाइल की जो है डिफ़ॉल्ट वाली एप्लीकेशन पर सेट कर लेना, यानी इसको लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट पर सेट कर लेना है। सबसे पहले आपने चले मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट। यहाँ आपकी एडिशनल सेटिंग में होगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट, या फिर बाहर होगा आपकी सेटिंग में कहीं पर भी एप्लीकेशन मैनेजमेंट को आपने सेलेक्ट करना है, और डिफ़ॉल्ट ऐप वाले ऑप्शन पर आपको टाइप करके इस वाले होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आपने चले जाना है। इसको यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपने जो है अपने लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट पे सेट कर लेना है और इसको चेंज होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आपने टाइप कर लेना है, जिसके बाद ये लॉन्चर आपके फ़ोन में कम्प्लीटली अप्लाई हो जाएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर इसमें अपनी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। साथ में इसके यहाँ पर मैं आपको थीम वगैरह वो भी बता देता हूँ। साथ में यहाँ पर इसका जो है डेस्कटॉप सेटिंग अगर यहाँ पर करना चाहते हैं तो इसके पेज वगैरह की कुछ सेटिंग अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको जो है इसके सर्च बार स्क्रीन है उससे कुछ जो है टूल बार को आपने कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। जो है आप कोई भी कलरिंग वगैरह यहाँ पर इसकी चेंज कर सकते हैं, रेड या ग्रीन, कोई भी यहाँ पर एडिट अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो आसानी के साथ यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। साथ में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन हाइड वाला फीचर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जिसमें आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन को, यानी अगर किसी को अपने प्राइवेट रखना है एप्लीकेशन को, तो आप आसानी के साथ इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, इस लॉन्चर को यूज़ करते हुए अपनी किसी भी एप्लीकेशन को आसानी के साथ हाइड कर सकते हैं। सो हाइड करना बहुत ही ईजी है, जैसे आपने टाइप करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करके आपने ओके कर देना है तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में जो हाइड हो जाएगी। आपको कहीं पर भी क्रोम ब्राउज़र वाली एप्लीकेशन वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि इसको आपने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। साथ में इसके जो सर्च बार वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा से कस्टमाइज हो चुका है, जिसमें यहाँ पर आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आप कोई भी जो है अपना फीचर, जैसा कि यहाँ पर वेदर कंडीशन को ऐड करना चाहते हो, यहाँ पर अपनी फेवरेट कॉल जिसको आप ज़्यादातर कॉल करते हो उसको आप आसानी के साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सा फीचर था iOS 13 में, जो आप अपने किसी भी अपने ओप्पो फ़ोन में अप्लाई करवा सकते हैं। सो आई होप आपको आज का छोटा सा वीडियो, इंटरेस्टिंग सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा के जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली दफ़ा, तब तक लिए अपने हर की गा बाय।